हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं जाने वाली हूँ मैटरनिटी ब्रेक पर, तो जब तक मैं वापस नहीं आऊँगी तब तक के लिए कुछ वीडियोस अवेलेबल रहेंगे आपको, जो एक वीडियो वीक में ज़रूर आएगा, तो आप उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे सारे जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस टाइप के टिप्स को फॉलो करना चाहिए, क्या टिप्स हैं जो हमारे डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए, कैसे हम उस टाइम की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सारे टिप्स उसी के बारे में, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमको प्रेगनेंसी अपनी कैसे इंजॉय करनी है और कौन से टिप्स हैं जो डेली हमको फॉलो करने हैं, जिससे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना और हमारी प्रेगनेंसी खुशी खुशी गुजर जाए, तो उसी के बारे में है आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट टिप है कि जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है, 99% लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है वॉमिटिंग की, सबसे ज़्यादा नौजिया की प्रॉब्लम रहती है। और उसको कैसे रिमूव करें सभी को नहीं मालूम होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठें, बिना बिस्तर से उतरे आप 2 बिस्किट खाकर पानी पी लें, उससे आपका जो नौजिया है वो रिमूव हो जाएगा और काफ़ी हेल्दी आपको डेली फील होगा। और जो नौजिया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप पूरा पूरा दिन अच्छे से गुजार सकते हैं। और जब भी कभी आपको नौजिया की प्रॉब्लम लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा मॉर्निंग में ही आए नौजिया, या हो सकता है आपको आफ्टरनून में आए या इवनिंग में आए, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप 2 बिस्किट खा लीजिए और पानी पी लीजिए, आपका नौजिया रिमूव हो जाएगा। कई बार ये भी होता है कि जैसे खाना नहीं बना है या फिर कुछ लेट हो रहा है, हम अकेले रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगा। मेरे साथ भी यहाँ कोई नहीं है और कोई आ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कोरोना का टाइम चल रहा था, तो लॉकडाउन था, तो कोई आ भी नहीं जा सकता था, तो उस टाइम पे सबसे अच्छा यही था कि मैं 2 बिस्किट खा के पानी पी लेती थी, फिर अपना काम सारा खुशी खुशी आराम से करती रहती थी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 2 बिस्किट खा के पानी पी लें। और बिस्किट को चूज़ करने के लिए सजेस्ट करेंगे जो व्हीट फ्लोर वाले बिस्किट्स को ज़्यादा प्रेफर करें, वो सबसे सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपने नौजिया को रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी सेकेंड टिप है कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या सेकेंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, कोई भी ट्राइमेस्टर हो, हमको प्रेगनेंसी में अपने खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और खाने पीने का सेंस है, कुछ लोग आपको बोलेंगे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप सुनिए, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी होती हैं। कटहल नहीं खाना होता है, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, पपाया नहीं खाना होता है। तो इस ये कुछ हैं 5-6 चीज़ें जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खानी होती है। बाकी जो भी आप खा सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी जो आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका जो भी खाने का मन है आप खाइए, खाली कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उनको अवॉइड कर दीजिए। मैंने सब कुछ खाया है अपनी प्रेगनेंसी में, कोई क्या कह रहा है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल मत सुनिए। बस आपको किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। अति करने से क्या होता है, वो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाती हैं, आपकी बॉडी में अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सब कुछ बदला सा होता है। तो उस टाइम पे ये है कि किसी चीज़ की अति नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आपको सब कुछ खाना है। और फ्रूट्स स्पेशली है, तो फ्रूट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स आपको जब भी लेना है तो हमेशा खाने के बाद लेना है, फ्रूट्स कभी भी खाने के पहले नहीं लेना है। उससे क्या होता है, आपको नौजिया और काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हेल्दी गुजरेगी। और फ्रेंड्स, आपको कम से कम दिन में 6 बार खाना है। आप 2 रोटी खाते हो तो आप नहीं खा पा रहे हो, तो 1 रोटी कम से कम ज़बरदस्ती खाओ। आपको नौजिया लग रहा है तब भी आप खाना खाओ। खाना बहुत ज़रूरी है, खाने में अपने कार्बोहाइड्रेट ज़रूर ऐड करिए, कार्बोहाइड्रेट वाली ही चीज़ें खाइए, उससे आपकी वॉमिटिंग रिमूव हो जाएगी। मुझे वॉमिट आती थी, कुछ भी हो, मैं लेटे लेटे खाती थी खाना, बट खाना खाती थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सब कुछ खाना चाहिए, खाने में स्पेशली कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लेना चाहिए। वॉमिट आए या कुछ भी आए, ज़रूर खाइए, लेटे मत रहिए कि लेटे हैं, वॉमिट आ रही है, कैसे खाएं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बस खाना खाइए। अपना पूरा ध्यान रखें कि हमको खाना खाना है बस। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट एंड थर्ड टिप्स है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ध्यान रखना है
कि आप कुछ भी ऐसे कपड़े मत पहने कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, या पैर में फंसे, या उसकी वजह से आप गिर सकते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंफर्टेबल क्लोथ पहने जिसमें आपको फंसे नहीं, आपको सोने में प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से सो पाएँ, अपनी नींद पूरी कर पाएँ, और चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप घर में चल रहे हैं या उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बिल्कुल फ्रीली होकर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनें, लूज पहने, टाइट को थोड़ा सा इग्नोर करें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, आपका बॉडी शेप जिस हिसाब से हो उसके हिसाब से थोड़ा सा लूज कपड़ों को प्रेफर करें। और जब आपका फ्रेंड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि जो भी आपका वेस्ट होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है, तो टाइट कपड़े उस जगह पे बिल्कुल भी ना आए क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा हार्म कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये ध्यान रखें कि जो आपके वेस्ट वाली चीज़ें, या तो आप जीन्स पहन रहे हैं या ट्राउज़र पहन रहे हैं या फिर स्टॉकिंग वगैरह पहन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप प्रेगनेंसी वाली प्रेफर करें, या इवन आप पैंटी भी पहन रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी वाली प्रेफर करें। नॉर्मल पैंटी को प्रेफर मत करें क्योंकि उससे भी हमारा जो वेस्ट लाइन होता है वो उस पर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही ध्यान रखना है कि हमको पूरी तरह से कंफर्टेबल और फ्री टाइप के क्लोथ्स को वियर करना है। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट एंड फोर्थ टिप है जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए, कि बहुत से लोगों को पानी पीने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए उतना ज़्यादा बेटर होता है। इवन आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगे कि पानी पियो, या फिर आप उसकी जगह जूस ले सकते हो, या फिर उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ले सकते हो जो आपकी पानी की कमी को पूरा करे। तो उस टाइम पे अगर आपका पानी पीने का मन नहीं करता है तो आपने थोड़ा सा बिस्किट का टुकड़ा डाल लिया और तो पानी पी लिया, या फिर कुछ मीठा खा लिया थोड़ा सा तो पानी पी लिया, बट बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। और जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है। जो लोग पी सकते हैं पानी ज़्यादा, उनको एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी नौजिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप उसको हाफ़ ग्लास करके कई बार उसको पिए तो पानी की कमी भी पूरी होती रहेगी और आपको नौजिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पूरी प्रेगनेंसी में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो फ्रेंड्स अगर आप पानी कम पीते तो उस टाइम पर आपको पेट में या पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, तो उस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पानी ज़्यादा पियो, तो उससे बॉडी की इचिंग भी रिमूव हो जाती है और पानी की कमी भी बॉडी में नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि हाइजीन स्टेप में ये है कि आपको अपना भी, खाने पीने का भी, दोनों तरह से अपना हाइजीन स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तब तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम होती है कि पानी आने लगता है, तो आप अपनी पैंटी को बार बार चेंज करते रहें। अगर वो नहीं करते तो उससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और अपने फ्रेंड्स डेली रूटीन में अपने कपड़ों को डेली चेंज करते रहें क्योंकि एक ये भी हाइजीन स्टेप है, बहुत से लोग नहीं डेली करते हैं, बट अच्छा है आप डेली अगर चेंज करते हो तो। आपको अपने कपड़े डेली चेंज करने हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर का मैंने बताया, तो जब भी आपकी पैंटी ख़राब होती है तो उस टाइम पे अपनी पैंटी को चेंज करते रहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाता है, वो आपके बेबी के लिए भी हार्मफुल होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लें अगर खाने पीने की, तो खाने पीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर की टोटली सारी चीज़ें इग्नोर करनी है, जैसे बिस्किट है, जूस वगैरह। जूस भी आप अगर घर में बना लो तो अच्छा है। मेरे साथ पॉसिबल नहीं था तो मैं बाहर से शुगर फ्री वाले जूस होते तो उनको प्रेफर करती थी। तो उस टाइप के जूस अगर आप प्रेफर करते हो तो ठीक है। और कोशिश करिए जो भी आपको खाना पीना है आप घर पे ही बना लो। मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि बाहर का मुझे कुछ भी ना खाना पड़े, मैं सब कुछ घर में बनाती थी। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो सब कुछ घर पे ही बन रहा था, वैसे भी कुछ बाहर नहीं मिल रहा था, तो मैंने तो सब घर पे ही बना के खाया। तो उस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है खाने पीने में और हाइजीन स्टेप में कि सब कुछ आपको बहुत केयरली और साफ सफाई से ही रहना है और साफ सफाई वाला ही खाना है। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे बॉडी में इचिंग होती है, तो उसको तो एक तो आप, मैंने पहले ही बताया कि आप पानी पीकर रिमूव कर सकते हो, बट पूरी तरह से रिमूव नहीं होती है। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके रखो। बॉडी मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी क्योंकि बॉडी एक्सटेंड करती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो अगर आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो
बहुत ज़्यादा आपको ईचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए बॉडी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे आप अपनी ईचिंग की प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकते हो बॉडी को मॉइस्चराइज करके। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि एक बार बॉडी मॉइस्चराइज करने से काम नहीं चल रहा है, तो आप उसको दिन में दो बार या तीन बार भी मॉइस्चराइज करो तो अच्छा है। अगर जिनकी बॉडी ज़्यादा ड्राई रहती है उनके लिए ये है कि आप दो बार या तीन बार बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करो। और बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने तो मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया और बोला कि जो आपकी बॉडी को सूट करे आप वो प्रिफर करो। तो जनरली मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं, तो उसमें नारियल का तेल मुझे सही लगा, कई लोग उसको यूज़ करते, बट मुझे, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है मुझे कोई भी ऑयल सूट नहीं करता है। तो मैं उसके लिए फिर अपना नीविया का बॉडी लोशन फॉर वेरी ड्राई स्किन के लिए आता है वो वाला यूज़ कर रही हूँ, तो वो मुझे सूट कर रहा है और मैं उसी को दो बार या तीन बार अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो आपकी बॉडी को सूट कर जाए। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद लगा लगा कर देख लो जो भी उस टाइम अच्छे से ऑयल आते हैं, या फिर डॉक्टर से सजेस्ट कर लें तीन चार तरह के ऑयल, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हो। बट एक साथ सारे परचेज मत करिएगा, एक एक करके परचेज करिएगा। जिनको ऑयल सूट करता है उनके लिए बेस्ट है कि आप नारियल का तेल अप्लाई करो, वो बेस्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टिप है मेडिटेशन एंड योगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, डॉक्टर आपको प्रेफर कर रहे हैं कि आप योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, तो बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा होता है। अगर आपको डॉक्टर मना कर रहे हैं कि नहीं करना ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप वॉकिंग नहीं कर सकते, तो घर में एटलीस्ट आप अपना घर में तो थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हो। बिल्कुल बिस्तर पकड़ के नहीं रहना है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना है, या फिर आप अपने घर का काम कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मेरे टाइम पे ये है कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपने अगर अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टहला हो तो आप टहलते रहो, वरना जो आपका लाइफस्टाइल रहा है आप उसी को फॉलो करो। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लॉकडाउन था, तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाई, फ़ोन से ही कंसल्टेशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। बट जब सेकंड ट्राइमेस्टर हुआ तो मैं डॉक्टर से मिली, तो मुझे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जैसी लाइफस्टाइल अभी तक आपने लिया है तो उसी तरह से आप अपना रूटीन फॉलो करो, कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम तो घर से निकलना भी नहीं होता था, तो मैं थोड़ा बहुत फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ तो एक बार सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना उतरना कर लेती थी, या घर का धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। तो इस टाइप से आप अगर वॉकिंग और योगा नहीं कर सकते तो इस टाइप से थोड़े थोड़े काम को कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि सोना कैसे चाहिए हमको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में सोना कैसे चाहिए। पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो भी, और सेकंड थर्ड में तो बात ही नहीं सेट हो रही है कि सोना है पेट के बल। बट आपको किस साइड सोना चाहिए जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट पोजीशन होती है हमको स्लीपिंग पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, हमको लेफ्ट साइड सोना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेस्ट होता है। लेफ्ट साइड सोने में बेबी के लिए भी हेल्पफुल रहता है और हमारा जो खाना है डाइजेस्ट वो भी हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेस्ट रहता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लेफ्ट साइड सो। अगर बहुत बार ये होता है कि हमें सोने में नहीं ध्यान रहता है हम कैसे सो रहे हैं, लेफ्ट सो रहे हैं या राइट सो रहे हैं या स्ट्रेट सो रहे हैं, तो आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप राइट भी सो सकते हैं और लेफ्ट भी सो सकते हैं, बट लेफ्ट बेस्ट पोजीशन है, आप राइट भी सो सकते हैं अगर इस साइड लेटकर थक गए हैं। बट जो स्ट्रेट सोते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप स्ट्रेट सोते हो तो उसमें ये है कि आपका जो बैकबोन वाला है उस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो बेबी बॉम है वो बड़ा होता रहता है, तो उससे बैकबोन पे प्रेशर पड़ने लगता है, तो आगे चल के हमको बैकबोन प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे हमको ये अवॉइड करना है कि हमको स्ट्रेट नहीं सोना है, और या तो लेफ्ट साइड सोना है या राइट साइड सोना है, ये हमारी बेस्ट स्लीपिंग पोजिशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आपको लेफ्ट या राइट सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रेगनेंसी पिलो ले लें, वो आपको सोने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उसके साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सारी टिप्स हैं जो आपको डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करनी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जो मैंने खुद रियलाइज़ की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर किसी और के लिए कोई और टिप्स है जो हेल्पफुल हो सकती है। और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर।
तो मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।